वीडियो वायरल होने के बाद हासन सीट से आई दिल दहला देने वाली खबर। विदेश भागने के बावजूद भी हासन में कम नहीं हो रहा प्रज्वल रेवन्ना का खौफ। डर के कारण शिकायत नहीं कर रहे पीड़ित, अपना ही घर छोड़ने को मजबूर। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी करीब 3000 से ज़्यादा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं। इस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित की गई विशेष जांच दल यानी एसआईटी कर रही है। लेकिन इन सबके बीच एक पहलू है कि जिन महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है उनका घर में और उनके परिवार का शहर में या फिर गांव में रहना मुश्किल हो गया है। कई पीड़ित परिवार इस वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं क्या है पूरी जमीनी हकीकत। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित के मुताबिक कर्नाटक के हासन जिले से बीते 10 दिनों में कई पीड़ितों ने अपना घर छोड़ दिया है। हासन के एक गांव जहां की पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है, वहां के स्थानीय नेता जो जेडीएस के नेता हैं उन्होंने बताया कि पार्टी के लिए काम करने वाली कई सारी महिलाएँ अब संपर्क में नहीं हैं। स्थानीय नेता ने आगे बताया कि कई महिलाओं ने सोशल मीडिया से प्रज्वल के साथ अपनी तस्वीरों को हटा दिया है। वहीं ऐसे भी कई सारे मामले सामने आए हैं जिनमें पति अपने पत्नियों से सांसद के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठा रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिला पंचायत की पूर्व सदस्य ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म किया गया, उनके वीडियो भी बनाए गए। स्थानीय नेता ने बताया कि पीड़ित महिला और उनके परिवार को वीडियो सामने आने के बाद इलाके में नहीं देखा गया है। अखबार ने यह भी बताया कि वीडियो क्लिप से महिलाओं की पहचान उजागर होने के बाद कई परिवारों ने हासन को छोड़ दिया है। इलाके के एक दुकानदार ने कहा कि महिलाओं की पहचान जाहिर करना गलत था, मैं उनमें से कुछ महिलाओं को जानता हूं, वो और उनके परिवार वाले छिप गए हैं, हमें नहीं पता कि वो वापस आएंगे भी या नहीं। दुकानदार ने कहा कि कई पीड़ित परिवार केस दायर नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि रेवन्ना परिवार के खिलाफ केस लड़ते हुए हासन में जीना संभव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी लगातार पीड़ितों की पहचान कर रही है, इससे जुड़े लोगों से संपर्क कर रही है। साथ साथ एसआईटी ने यह भी भरोसा दिया है कि पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी। इसी को देखते हुए एसआईटी ने एक नंबर भी जारी किया है जिससे आप मोबाइल के जरिए पूरी जानकारी दे सकते हो। आपको एसआईटी के ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद भी हासन में रेवन्ना परिवार का खौफ इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे पीड़ित परिवार अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।